मेरी इंजरी को 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए, यानी कि आज से 3 साल पहले 31 मई 2018 को सुबह के 10 बजे मैं रोड के साइड रनिंग कर रही थी, मॉर्निंग वार्म अप कर रही थी, कब कार आई, हिट करके चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। ऑन द स्पॉट मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, पूरी मानो जैसे नीचे का बॉडी पूरा सुन्न पड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको टेम्प्रेरी समझा। मैंने कहा 1 घंटे में सही हो जाएगा। मेरे को आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे जब उठाने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे पैर ऐसे लटक रहे थे। तो उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स और वहाँ के लोकल पीपल पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, कारकल हॉस्पिटल में। वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे निट गजरिया हॉस्पिटल में MRI के लिए भेज दिया। MRI की जब रिपोर्ट कारकल के डॉक्टर्स ने देखा तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मुझे सीधे मणिपाल हॉस्पिटल UTP के लिए रेफर कर दिया। जब मैं मणिपाल हॉस्पिटल पहुंची, 5:30 बजे पहुंची, आप सोचिए सुबह के 10 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ, रात को 9 बजे मुझे पता चला एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे को कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, जो मेरा बैक बोन है वो मेरे स्पाइन में जाके बोन चले चुका है और हमें अभी सर्जरी करके बोन को जोड़ना पड़ेगा। 2 जून को मेरा सर्जरी हुआ मणिपाल हॉस्पिटल में और 3 को मेरे पापा मेरे पास पहुंच गए थे। जब मेरे फादर मुझसे ICU में मिले तो मेरे फादर ने बहुत स्माइल के साथ मेरे से पूछा, बेटा आप कैसी हो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक हो जाओगी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि मेरे को पापा डांटेंगे, मेरे से पापा क्या कहेंगे, बहुत डरी हुई थी। लेकिन उस समय मैं बहुत खुश हुई कि मेरे फादर ने मुझे नहीं डांटा। जब फादर ने डॉक्टर से मेरा स्टेटस पूछा कि मेरी बेटी कब चलेगी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी ये नहीं चल सकती, आज के टाइम पे जो उसका मेडिकल कंडीशन है ये नहीं चल सकती क्योंकि कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, कहा मैंने ओलंपिक्स के सपने देखे थे और एकदम ये सब हादसा होने के बाद मानो ऐसा लगे सब बिखर गया। फिर मेरे को पैरा गेम्स के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था, तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं पैरा गेम्स स्टार्ट कर लूँगी। 20 दिन मैं मणिपाल हॉस्पिटल में रही, देन उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और मुझे रेफर कर दिया इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुछ दिल्ली के लिए। काफ़ी नाम सुना था इस हॉस्पिटल का, बहुत कॉस्टली है। फिर बात वहीं पर आके रुक गई क्योंकि मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। उसके बाद मेरे फादर ने सफदरजंग में मुझे एडमिट कर दिया। सफदरजंग में मैं 15 दिन रही, फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मैंने उनसे बोला मुझे बैंगलोर ले चलो, और मेरे फ्रेंड्स मुझे दिल्ली आके बैंगलोर ले गए और बैंगलोर में मेरे घर के अंदर मणिपाल से फिजियोथेरेपिस्ट आके फिजियोथेरेपी करवाते थे। सोशल मीडिया में जब एक्सीडेंट की खबर मेरी वायरल हुई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत लोग मुझे जानते हैं, बाकी मैं प्लेयर रही हूँ, और जब मैं TCS के लिए बैंगलोर जा रही थी तो मैं आधे महीने पहले CM सर से मिल के आई थी, तो CM सर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे फादर का काफ़ी पॉलिटिकल रिलेशन है, तो उसके बाद CM सर को जब पता चला तो वो मेरे से बैंगलोर मेरे फ्लैट में मिलना है। सर ने मेरा पैड देखा, मेरा सेंसेशन देखा है, मूवमेंट है, बट कुछ मुझे पता नहीं चला। जब मैंने उनको बताया कि इंडियन स्पाइनल इंजरी के लिए मुझे रेफर करा है, तो सर ने बोला जितना भी खर्चा आएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट पे करेगी। मेरे फादर को 13,10,000 का एस्टिमेट मिला था हॉस्पिटल से, जो कि CM सर ने पास करके हॉस्पिटल को बिल पे कर दिया। उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उस हॉस्पिटल में मैं जब गई मानो ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गई। एक मिनट के लिए मैं भूल गई कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ। इतनी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ, इतने अच्छे लोग, और सबसे ज़्यादा मैं खुश ये हुई जब मैंने HPS आहूवालिया सर का नाम सुना, क्योंकि मैं बचपन से उनका बुक पढ़ा है, सर के बारे में सुना है, और जब मुझे पता चला वहाँ सर वहाँ के चेयरमैन है तो मैं बहुत एक्साइटेड होगी सर से मिलने के लिए। और मैं सर से मिली, मैंने HPS आहूवालिया सर से उनकी जर्नी के बारे में पूछा। सर एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, आज सर अपनी 56th anniversary सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि सर की स्टोरी जानने के लिए। सर ने इतना हादसा होने के बावजूद भी सर ने इतना बड़ा हॉस्पिटल को कैसे ओपन किया, तो सर ने अपनी जब जर्नी के बारे में मुझे बताया मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुई। जब मैं पूरा हॉस्पिटल का राउंड लगाया तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर प्लेग्राउंड भी है,
तो जैसे मेरा सुबह फिजियोथेरेपी होना, शाम को मैं 4 PM अपना बास्केटबॉल खेलने चले जाना, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, अपने को फिट रखना, वो सब करती थी। हॉस्पिटल के अंदर से ही मैं आउटपास लेके एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, सुपर सिग्नेंस, अफदर्जन मैडम, कोई भी मैराथन होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाती थी। और इस सब में साथ मेरा HPS आहूवालिया सर ने और मेरे डॉक्टर्स ने काफ़ी दिया। और एक साल तक मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी खेला, हरियाणा टीम की कैप्टन रही, और नेशनल चैम्पियनशिप में मुझे बेस्ट न्यू कमर प्लेयर का अवार्ड मिला। और मुझे इंडिविजुअल गेम खेलना था क्योंकि मैं पहले से ही इंडिविजुअल खेलता आई हूँ, एथलीट रह चुकी हूँ, और अभी भी इंडिविजुअल ही खेलना है क्योंकि लाइफ में कुछ करना है मुझको, इंडिया के लिए मेडल लेके आना है, ये बचपन से सपना रहा है और आगे भी रहेगा। और जिस तरह से मैं अपनी इतनी हार्डवर्किंग कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, बहुत जल्दी मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँगी और इसमें बिल्कुल सक्सेस दूँगी। और अभी भी मेरी ये जर्नी चल रही है स्पोर्ट्स की। अभी मेरे इवेंट जो है वो शॉर्ट पुट, जैवलिन और डिस्कस हैं जिसमें मैं अपने को प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी भी मेरे पापा को काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ रही है क्योंकि जिस समय मेरी स्टार्टिंग टाइम में इंजरी के टाइम पे मेरे पापा ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए घर गिर भी रख दिया था। अभी भी मेरे छोटे छोटे खर्चे हैं जो कि मेरे पापा देते हैं। और इस सब जर्नी में जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा है, हंस फाउंडेशन हो, उत्तराखंड के लोग हों, सोशल वर्कर हों, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ जिनके साथ हादसा हो जाता है, जो उम्मीद छोड़ देते हैं, प्लीज़ उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें। ये सोचें जो होता है अच्छे के लिए होता है और उस चीज़ पर फोकस करें जो आप कर सकते हैं, उस चीज़ पर फोकस ना करें जो आप नहीं कर सकते। अगर आपको मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे कमेंट पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।